सालार के आइटम सॉन्ग में नोरा फतेही का नाम आ रहा है सामने, क्या प्रभास के संग बनाएंगी जोड़ी? बाहुबली सुपरस्टार प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म सालार को लेकर काफी सुर्खियों में है। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही सालार की शूटिंग फिर से शुरू की गई थी और अब तक उसकी 45% से ज्यादा की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि मेकर्स अब इस फिल्म के आइटम सॉन्ग को शूट करने की तैयारी में हैं। हाँ दोस्तों, हम फिल्म सालार से जुड़े आइटम सॉन्ग को लेकर एक ऐसी खबर का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सॉन्ग और फिल्म दोनों का ही इंतजार नहीं कर पाओगे। हालांकि आपको बता दें कि ये कंफर्म नहीं है, पर खबरों में ऐसा बताया जा रहा है कि सालार फिल्म के आइटम सॉन्ग में नोरा फतेही देखने को मिल सकती है। इस आइटम सॉन्ग के लिए मेकर्स की लिस्ट में उनका नाम सबसे आगे है। आप तो जानते ही हैं कि नोरा फतेही इस समय बॉलीवुड में एक अच्छी पोजीशन पर है। उन्होंने इसके पहले भी कई आइटम सॉन्ग्स, एल्बम सॉन्ग्स और फिल्मों में काम किया है जिनमें साकी साकी, दिलबर, कमरिया, सुको सुको जैसे कई सॉन्ग शामिल है। और अगर खबर कंफर्म हुई तो वाकई में प्रभास की फिल्म सालार के आइटम सॉन्ग में नोरा फतेही होती हैं तो इस गाने में और फिल्म में 4 चांद लग जाएंगे। और पहली बार नोरा फतेही किसी साउथ की फिल्म में वो भी सुपरस्टार प्रभास के साथ काम करेंगी। दोनों के ही फैंस के लिए काफी नया और इंटरेस्टिंग न्यूज होगा। आपको बता दें कि प्रशांत नील के बैनर तले बन रही सालार को 2023 में रिलीज करने की बात चल रही है और फिल्म की जिस तरह से तैयारी भी चल रही है ऐसा लग रहा है कि फिल्म बहुत ही धमाल मचाने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में काफी दमदार एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाला है और बाहुबली की तरह ही यह फिल्म भी सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। इस फिल्म में प्रभास के साथ श्रुति हसन भी है और यह जोड़ी पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही है। इस फिल्म में जगपति बाबू भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।